मंगलवार को कैलाश विजयवर्गीय नंदानगर स्थित अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर पहुंचे और काउंटर संभाला। वे डेढ़ घंटे तक दुकान पर रहे। उनकी दुकान इंदौर में काकाजी के नाम से जानी जाती है। इसे कैलाश की मां अयोध्या बाई ने शुरू किया था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की सभी 9 सीटों के नाम घोषित नहीं होने पर कहा कि सब कुछ तय हो गया है, जल्द ही लिस्ट जारी होने वाली है, जो उम्मीदवार योग्य हो उसे टिकट मिले। पार्टी अपने सर्वे के आधार पर बेटे आकाश को मैदान में उतार सकती है। मेरा ख्याल है इसको परिवारवाद नहीं कहना चाहिए, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। यदि आप योग्य हो तो फिर इच्छा करो। योग्यता के आधार पर यदि कोई परिवार, राजनीतिक परिवार का व्यक्ति आगे आता है तो उसका अधिकार है। जहाँ पर योग्यता नहीं होती है फिर भी परिवारवाद के कारण वो चलते हैं, जैसे कि इस देश के अंदर गांधी परिवार है, तो वो परिवारवाद के आधार पर चलता है, योग्यता हो या नहीं हो, जो कि गांधी परिवार है। पर हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि परिवारवाद की अवहेलना पर जो योग्य है उसको तो योग्यता के आधार पर उसको काम दिया ही जाएगा। भाजपा ने अपनी 2 सूची में अब तक 193 प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी है। पहली में 176 का और दूसरी में 17 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, लेकिन इनमें इंदौर की 9 सीटों के नाम नहीं है। राज्य में 28 नवंबर को मतदान होगा जबकि 11 दिसंबर को परिणाम आएंगे। कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश के बेटों की दावेदारी के चक्कर में इंदौर का गणित गड़बड़ा गया है। इनमें इंदौर की क्षेत्र क्रमांक 1 से 5 महू, राव, देपालपुर और सावेर की सीट शामिल है। देखिए कुछ टिकट बचे हैं। कल हमारी जो चुनाव समिति के सदस्य यहाँ पर इंदौर भी आए थे और हमारे राष्ट्रीय नेता ताई जी से मिलकर भी गए। अभी यहाँ से सब लोग अहमदाबाद गए हैं। अहमदाबाद में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उस सूची पर मोहर लगा देंगे, इसलिए आज मुझे लगता है शाम तक बचे हुए सूची भी हमारी आ जाएगी। इंदौर की क्षेत्र क्रमांक 1 से 5 महू, राव, देपालपुर और सावेर की सीट शामिल है।